नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन क्लास का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी की तैयारी अभी से है जारी और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जी हां, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, यूनिवेक स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी ऑप्शन यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी ऑप्शन यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। कमेंट या चैट में आंसर बता सकते हैं। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, राइट। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या है, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। WAIS स्टैंड फॉर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, बी ऑप्शन वाइड एरिया इंट्रानेट सर्वर्स, सी ऑप्शन वाइड एरिया इंटरनल सर्वर्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं। गुड गुड, कुछ लोगों का चैट में राइट आंसर आ चुका है और आपका टाइम भी अप हो चुका है और इसका राइट आंसर होगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्लियर है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई मैप के लिए पोर्ट नंबर क्या होता है, ए ऑप्शन 123, बी ऑप्शन 143, सी ऑप्शन 125, डी ऑप्शन 255। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो जी हां, और आपका टाइम क्या हो चुका है, अप हो चुका है और इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 143। आई मैप का पोर्ट नंबर कितना होता है, 143 होता है। क्लियर है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप पीओपी का पोल्ट नंबर बताएंगे, पीओपी का पोल्ट नंबर बताएंगे। क्लियर है, समझ गए, पीओपी का पोल्ट नंबर क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। यूडीपी वायरलेस प्रोटोकॉल है, ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं। गुड गुड, और आपका टाइम जो है वो अप हो चुका है और राइट आंसर होगा, जी हां, ट्रू। बिल्कुल याद रखिएगा, यूडीपी वायरलेस प्रोटोकॉल है जबकि टीसीपी क्या है, वायर्ड प्रोटोकॉल है। क्लियर है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। जब हम टीसीपी आईपी मॉडल को पढ़ेंगे, जहां पर 4 लेयर्स होती हैं, वहां पर होती है एक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, और टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी वायर्ड प्रोटोकॉल होती है, यूडीपी वायरलेस प्रोटोकॉल होती है। क्लियर है, टीसीपी धीमा काम करती है, यूडीपी तेज काम करती है। इन पॉइंट्स को याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टीवी फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। गुड गुड, तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल फॉल्स होगा। जी हां, याद रखना, टीबी फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है, टीबी किसका एग्जाम्पल है बताइएगा। गुड,
सिंप्लेक्स का है, क्लियर है। यदि हम डुप्लेक्स में जाएंगे मतलब कितने प्रकार का ट्रांसमिशन मोड होता है, तो तीन प्रकार का होता है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स, क्लियर है, एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सिर्फ वन वे डेटा ट्रांसफर होता है, रेडियो, टीवी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या है, सिंप्लेक्स के उदाहरण हैं। हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा या तो डेटा आएगा, एग्जाम्पल होगा वॉकी टॉकी, क्लियर है। और फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ एक ही बार में आ भी सकता है और जा भी सकता है, एग्जाम्पल जो होगा इसका आपका वो होगा मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंप्रेस में स्लाइड शो के दौरान एस्केप की प्रेस करने पर प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स हैं। और चीजों को ध्यान से सुनते रहिए जिससे आपको फैक्ट्स याद हो जाएं, और ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्लियर है। और नेक्स्ट मंडे को मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर है। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा होगा ट्रू, क्लियर है। इंप्रेस में स्लाइड शो के दौरान एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम स्लाइड शो से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्लियर है। मतलब स्लाइड शो जो हमारी प्रेजेंटेशन चल रही होगी वो एंड हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माउस की लेफ्ट बटन का प्रयोग पॉपअप मेन्यू को ओपन करने के लिए करते हैं, ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू, बताइएगा राइट आंसर क्या है, 5 सेकेंड्स हैं। और आपके एग्जाम में भी ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो बिल्कुल आईज आंख खोल कर क्या करना है, वहां पर टिक लगाना है, समझ गए। हमेशा पहले ट्रू रहेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं, और फॉल्स को फर्स्ट ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा फॉल्स होगा, क्लियर है। लेफ्ट बटन को प्रेस करने पर, क्लिक करने पर कोई भी पॉपअप मेन्यू ओपन नहीं होता है, जबकि हम माउस की जब राइट बटन को प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, पॉपअप मेन्यू ओपन होकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूटीएस स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन अनलाइंड टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन यूनिक टिकटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, टिकट में आईएनजी, ठीक है, टिकटिंग हो जाएगा। चलिए 5 सेकेंड्स है, तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, क्लियर है। अब जरा समझिएगा, यूटीएस का यूज भी मैं बता दे रहा हूं आपको। यूटीएस का यूज ये है कि जब भी आप रेलवे से कहीं जा रहे हैं और आपने अपनी सीट को बुक नहीं करा रखा है, ठीक है, आप जनरल डिब्बे से जा रहे हैं तो फिर आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप यूटीएस का यूज करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, यहां पर कंडीशन ये होती है, यूटीएस में आप अपना टिकट तभी कर सकते हैं जब आप रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के अंडर होंगे, तब। बात ध्यान रखना, रेलवे जो स्टेशन होगा उसके अंदर कितना, मतलब आप 3 किलोमीटर दूरी पे हैं या उससे कम की दूरी पे हैं, तो फिर आप यूटीएस यूज करके आप अपना टिकट क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, क्लियर है, हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, और यदि आपको रिजर्वेशन करना है तो फिर आप IRCTC का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, ए ऑप्शन है टेलीफोन लाइंस, बी ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर केबल, सी ऑप्शन है माइक्रोवेव्स, डी ऑप्शन है मॉडम, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। जी हां, गुड गुड,
बढ़िया है, कुछ लोगों का राइट आंसर आ भी चुका है। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल होगा मॉडम। क्लियर है, मॉडम क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। जबकि टेलीफोन लाइंस, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, माइक्रोवेव्स, ये क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया है, मतलब इनके माध्यम से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है, इनके माध्यम से डेटा को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। जबकि मॉडम क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज के ऑनलाइन टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल पेमेंट से संबंधित है? ए ऑप्शन है यूपीआई, बी ऑप्शन है भीम, सी ऑप्शन है ई वॉलेट, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, राइट आंसर बताइएगा। और अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और एटलीस्ट 10 लोगों को क्या करिए, शेयर करिए भाई। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना है, इसलिए कम से कम जो लोग जुड़ चुके हैं वो 10 लोगों को शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से ज्यादा शेयर करें। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, और एक बात ये भी ध्यान रखिए, जितना ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रिपरेशन करते रहिए। क्लियर है, तो जी हाँ, ये था आज का ऑनलाइन टेस्ट। कल मिलते हैं नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, रात 9 बजे, देखना मत भूलिएगा। गुड बाय।